हेलो स्टूडेंट्स दिस इज अ सॉल्यूशन वीडियो टेस्ट विच हेल्ड ऑन ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर ठीक है बेटा आपका टेस्ट हुआ था सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था ड्रो द सिंबल ऑफ स्टार्ट जो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं उसमें हमारे पास बहुत सारे सिंबल थे स्टार्ट इन स्टॉप इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग बॉक्स डिसीजन बॉक्स फ्लो चार्ट तो इनके जो हैं सिंबल्स थे अब इसमें पूछा है कि आपने स्टार्ट का जो सिंबल है उसको ड्रॉ करना है तो ओवल शेप में इस तरीके से जो है वो स्टार्ट का सिंबल है ठीक है आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सिंबल्स हों इनमें से स्टार्ट का सिंबल कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट का सिंबल कैसा होता है ओवल शेप बॉक्स होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ स्टेप इज यूज़ टू बिगिन यहाँ पे यूज आएगा बेटा आप नोट कर लीजिएगा यूज़ टू बिगिन फ्लो चार्ट अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हम फ्लो चार्ट बनाते हैं स्टार्ट करते हैं तो हम कौन सा स्टेप यूज़ करते हैं जब भी हम बिगनिंग करते हैं हमारा फ्लो चार्ट की बिगनिंग होती है स्टार्ट बिगिन से ही समझ जाइए बिगिन का मतलब क्या होता है शुरू करना तो स्टार्ट का मतलब भी क्या होता है शुरू करना तो जो कौन सा स्टेप है फ्लो चार्ट को बिगिन करने के लिए वो है स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में पूछा है वट आर द थ्री स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम यहाँ पर पूछा गया है वो कौन से तीन स्टेप्स हैं कंप्यूटर में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आपको मैंने क्लास में भी बहुत बार करवाया है फर्स्ट स्टेप है राइटिंग एल्गोरिथम सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखना पड़ेगा एक प्रॉपर ऑर्डर में ठीक है उसके बाद आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा देन यू हैव टू राइटिंग अ प्रोग्राम लास्ट में क्या है राइटिंग अ प्रोग्राम इसकी सीक्वेंस ऐसे टेस्ट रहेगी इसे आप चेंज नहीं कर सकते ठीक है इसको ऐसे ही आप लर्न कर लीजिए इसके डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं इसमें से दो बताए हों एक पूछा गया हो कुछ भी हो सकता है तो इसलिए इसको सीक्वेंस में प्रॉपरली लर्न कर लीजिए कि आ, कोई भी प्रॉब्लम अगर कंप्यूटर में आती है तो उसको सॉल्व करने के क्या स्टेप्स हैं ठीक है फर्स्ट राइटिंग एल्गोरिथम मेकिंग फ्लूचार्ट एंड राइटिंग प्रोग्राम फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है विच लैंग्वेज इज़ यूज टू राइट एल्गोरिथम कौन सी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है एल्गोरिथम को लिखने के लिए तो देखिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमारी जो कॉमन लैंग्वेज है सबसे इंटरनेशनल लैंग्वेज है डेट इज़ इंग्लिश तो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है एल्गोरिथम लिखने में ना हिंदी ना पंजाबी ना कोई और लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे एल्गोरिथम को लिखने के लिए यूज़ किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज प्रोग्राम प्रोग्राम क्या होता है तो बेटा प्रोग्राम जो है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन की कलेक्शन को हम बोलते हैं प्रोग्राम ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है ये भी पूछा हो जा सकता है फिलिप्स में अ डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन की कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं प्रोग्राम या प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम किसकी कलेक्शन है ऑफ इंस्ट्रक्शन ठीक है इंस्ट्रक्शन की कलेक्शन प्रोग्राम है प्रोग्राम किसकी कलेक्शन है इंस्ट्रक्शन की ये दोनों चीजें आप लर्न करके रखना ठीक है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है सेवन क्वेश्चन सॉरी सिक्स क्वेश्चन हु इज प्रोग्रामर अब प्रोग्रामर कौन है प्रोग्रामर वही है जो प्रोग्राम को राइट करता है अ पर्सन हु राइट्स प्रोग्राम जो पर्सन प्रोग्राम को राइट करता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामर ठीक है programmer, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है राइट द एल्गोरिथम टू डिस्प्ले नेम एंड एज आपको एक एल्गोरिथम लिखनी है नेम और एज को डिस्प्ले करवाने की ठीक है तो क्या एल्गोरिथम है बहुत इजी है सबसे पहले आप क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे और ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा स्टार्ट होता है और लास्ट स्टेप स्टॉप होता है ये दो स्टेप आपको कन्फर्म हो गए अब उसके बाद आपको क्या करवाना है डिस्प्ले करवाना है नेम एंड एज अगर नेम और एज डिस्प्ले करवाना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस नेम और एज को इनपुट करना पड़ेगा कंप्यूटर को देना पड़ेगा कंप्यूटर को बताना पड़ेगा तो सेकंड स्टेप हो जाएगा हमारा इनपुट नेम एंड एज एंड थर्ड स्टेप डिस्प्ले जब आपने इनपुट कर दिया तो उसके बाद कंप्यूटर इसको डिस्प्ले भी कर देगा कंप्यूटर इसे डिस्प्ले कर देगा बता देगा आपको आउटपुट दे देगा तो थर्ड स्टेप हो जाएगा डिस्प्ले नेम एंड एज अब हमारा काम खत्म हो गया हमें डिस्प्ले करवाना था वो हो गया तो लास्ट स्टेप है हमारा स्टॉप ठीक है बेटा नाउ दिस इज द वीडियो थैंक यू